हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र मुजीद रहा स्वागत करता हूँ आपका गुजराती चेस चैनल, जिसका नाम है गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेस में गेम कैसे लिखते हैं, हाउ टू नोटेशन। तो इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट में गेम लिखना कंपलसरी होता है, तो सबको गेम लिखना आना चाहिए। इसीलिए मैं ये ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि कैसे गेम लिखी जाती है और लिखना कंपलसरी है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ फाइल, रैंक और डायगोनल। दोस्तों, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन कॉल्ड फाइल, उसे फाइल कहते हैं। स्लीपिंग लाइन को रैंक कहते हैं और जो क्रॉस लाइन है उसे डायगोनल कहते हैं। हमारे पास टोटल 8 फाइल होती है, ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल और एच फाइल। ऐसे फाइलों के नेम होते हैं अल्फाबेटिक ए टू एच। अब रैंक, हमारे पास 8 रैंक्स होती है, रैंक के भी नेम दिए हैं। उसमें नंबर एक होते हैं वन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवंथ रैंक, एट रैंक। अब दोस्तों, गेम लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि स्क्वायर को पहचानना। तो स्क्वायर का नाम क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो स्क्वायर का नाम, जैसे कि ये स्क्वायर में मैंने मेरे कर्सर रखा है, वो कौन सी फाइल में है, तो डी फाइल में है, और कौन सी रैंक में है, तो फोर्थ रैंक में है। तो स्क्वायर का नाम हो जाएगा D4, पहले अल्फाबेट बाद में नंबर। कई लोग 4D बोलते हैं पर ये गलत है, D4 बोलना चाहिए। अब देखते हैं ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का नाम है G3। ऐसे में थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर को बोलते हैं G7। G फाइल है और सेवंथ रैंक में, इसका मतलब G7। दोनों को मिलाना है, सिर्फ सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, वो स्क्वायर का नाम है B7। तो दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको स्क्वायर कैसे पहचानना है। एकदम इजी है, आपको सिर्फ अल्फाबेट और नंबर मिक्स करना है जिस स्क्वायर पे आप देखना चाहते हो। अब देखिए गेम कैसे लिखते हैं। गेम लिखने के लिए सब सिंबल्स आपको आने चाहिए कि सबके सिंबल्स क्या होते हैं, लिखने के लिए किसको क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि किंग की मूव होती है तो कैपिटल में उसे के बोलते हैं, के। और फिर क्वीन की मुंह के लिए आपको लिखना है कैपिटल में क्यू। रुक की मुंह के लिए आपको कैपिटल में आर। बिशप की मुंह के लिए कैपिटल बी। नाइट की मुंह के लिए कैपिटल एन। सब पहले लेटर में आता है कैपिटल। अब पॉन की मुंह में कोई पॉन नहीं लिखेगा या पी भी नहीं लिखेगा। पॉन की मुंह में आपको सामने डैश करके लिखना है नेम ऑफ स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर का नाम लिखना है। अब देखते हैं कैसलिंग और लॉन्ग कैसलिंग आपको समझा दिया है, तो कैसलिंग कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपने शॉर्ट कैसल किया तो उसे लिखना है 0-0। अगर आपने लॉन्ग कैसल किया है तो आपको लिखना है 0-0-0000। चेक, अगर आपने चेक दिया है तो मूव लिखने के बाद लास्ट में चेक की साइन प्लस होती है, तो लास्ट में आपको प्लस साइन करनी है। कैप्चर, यानी किसी को अगर आपने मारा है तो मूव लिखते टाइम बीच में कैप्चर मल्टीप्लिकेशन की साइन करनी है, मतलब एक्स लिखना है। फिर आता है एनपास। एनपास भी आपको समझा दिया है, अगर एनपास से किसी पॉन को मारा है तो आपको उसमें लास्ट में ई डॉट पी डॉट लिखना है, यानी एनपास हो गया। अब कोई भी सिंबल चेकमेट की साइन है, मोबाइल में जो लास्ट में हैशटैग आता है उसे बोलते हैं चेकमेट, तो ये चेकमेट की साइन है। कैप्चर की साइन मल्टीप्लिकेशन। और अब हम गेम लिखना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी बुक में पहली कॉलम में नंबर लिखना है, दूसरी कॉलम में व्हाइट और थर्ड कॉलम में आपको लिखना है ब्लैक, मतलब नंबर व्हाइट और ब्लैक, ऐसे तीन कॉलम करने हैं। व्हाइट की मुंह व्हाइट में और ब्लैक की मुंह सिर्फ ब्लैक में लिखी जाएगी। अब हम गेम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पॉन चलाया तो इसे लिखेंगे E4। ई स्मॉल में लिखना है क्योंकि पॉन की मुंह है, जो भी पॉन की मुंह है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपको, पीसीस के लिए कैपिटल यूज करना है। ब्लैक ने सामने रिप्लाई दिया E5, तो आपको ब्लैक के कॉलम में लिखना है E5। मुंह नंबर तो पहले ही दे देना है 1, दोनों का 1 मुंह नंबर है। अब आपको लिखना है NF3, क्योंकि हमने नाइट चला है तो नाइट के लिए कैपिटल N, जो मैंने आपको साइन लिखाई है, और कौन से स्क्वायर में गया है वो लिखना है, तो NF3। ब्लैक ने रिप्लाई दिया NC6, नाइट के लिए कैपिटल N, कौन से स्क्वायर में गया है वो, तो C6 में हमने रखा था, तो NC6। उसके बाद
ब्लैक लिखता है बिशप, सपोज व्हाइट का टर्न है, व्हाइट ने चलाया है बिशप सी फोर, तो बी सी फोर कैपिटल में बी और सी फोर स्क्वायर में, यानी बी सी फोर ब्लैक नाइट चलाता है, तो एन एफ सिक्स कैपिटल एन एफ सी स्क्वायर में आपने चला है, तो एन एफ सिक्स। अब व्हाइट ने शॉर्ट कैसलिंग किया है, तो शॉर्ट कैसलिंग की साइन है 0-0। ब्लैक ने बिशप चलाया यहाँ पे, तो बिशप के लिए बी और कौन से स्क्वायर में है, सी फाइव, यानी कैपिटल बी सी फाइव। अब हम यहाँ पे पॉन चलाएंगे, सिर्फ पॉन के मूव के लिए नेम ऑफ स्क्वायर यानी डी थ्री। अब ब्लैक ने भी शॉर्ट कैसल किया, तो वहां 0-0 करना है। व्हाइट ने नाइट से ये पॉन मारा है, तो आपको लिखना है एन कैप्चर, बीच में कैप्चर के साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और कहाँ पे मारा है, तो ई फाइव, एन कैप्चर ई फाइव। ब्लैक ने आपके नाइट को मारा है, तो वो लिखेंगे एन कैप्चर ई फाइव, कहाँ पे मारा है वो लिखना है, कौन सा पीस मारा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब व्हाइट ने नाइट डेवलप किया एन सी थ्री, ब्लैक ने पॉन चलाया तो डी सिक्स। व्हाइट ने क्वीन यहाँ पे ई टू रखा, तो क्यू ई टू, ब्लैक ने रुक चलाया आर ई एट। व्हाइट ने बिशप चलाया है बी एफ फोर कैपिटल बी और एफ फोर स्क्वायर में यानी बी एफ फोर। ब्लैक ने बिशप से क्वीन पे अटैक किया, तो बी जी फोर कैपिटल बी जी फोर। व्हाइट ने क्यू डी टू किया यानी क्वीन डी टू। अब ब्लैक ने एन एच फाइव चलाया, तो नाइट एच फाइव। व्हाइट ने यहाँ पे रूक चलाया, तो आर ई वन, यहाँ पे ब्लैक चलाता है क्यू एच फोर, व्हाइट ने चला है सपोज ये रूक, तो आर डी वन। यहाँ पे दोस्तों मैं सिर्फ गलत गेम इसलिए बता रहा हूँ कि गेम भले ही सही या गलत है, सिर्फ आपको लिखने की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, इसलिए कोई भी चिंता नहीं है कि सर ऐसी गेम क्यों बता रहे हैं, सब फुलिस मूव है, ऐसे मूव की नहीं जाती। अब ब्लैक चला रहा है बी एफ थ्री, बिशप कैपिटल और एफ थ्री। अब व्हाइट चलाता है बी ई थ्री, यहाँ पे ब्लैक चल रहा है क्यू जी फोर, तो व्हाइट चला है क्यू बी क्रॉस सी फाइव यानी बी कैपिटल बी कैप्चर सी फाइव। यहाँ पे आपको क्यू क्रॉस जी टू हैशटैग यानी चेकमेट। तो दोस्तों आपको गेम लिखना आ गया होगा, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको इससे भी आगे जानकारी दूंगा, और तब तक आप गेम लिखने की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ताकि लिख के खेलने की प्रैक्टिस हो जाए, और कॉम्पिटिशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़े, टाइम आपका टाइम लॉस भी नहीं हो, इसलिए मैंने दिखाया है। तो इसके लिए अब हम मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात, सब दोस्तों को रक्षाबंधन की खूब खूब शुभेच्छा।